नमस्कार, मैं नीति सैन। केशवपुरम थाना पुलिस की टीम ने चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन तीनों आरोपियों ने दुकान में तांबे के तार की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। लेकिन केशवपुरम थाना पुलिस की टीम ने चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। केशवपुरम थाना पुलिस की टीम ने बीते दिनों केशवपुरम थाना इलाके में कॉपर के वायर की चोरी की वारदात को सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपियों ने केशवपुरम इलाके में एक दुकान में कॉपर की वायर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और करीब 300 किलो कॉपर लेकर वहां से फरार हो गए, जिसकी जानकारी केशवपुरम थाने में दर्ज कराई गई। जानकारी मिलने के बाद केशवपुरम थाना पुलिस की टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुखबिरों को भी तेज किया और आरोपियों को यूपी के लोनी बॉर्डर इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 300 किलो कॉपर की वायर व वारदात में इस्तेमाल एक टेम्पो भी बरामद किया गया है। बहरहाल, गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है केशवपुरम थाना पुलिस की टीम। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।